कैसा लग रहा है नए जोड़े के साथ घूमते हुए? देखे ना कैसा लग रहा है अपना पुराना टाइम, अपना टाइम याद आ रहा है आपको? अपना टाइम याद आ रहा है, 10 साल पुराना टाइम। आज सबने ना ब्लैक ड्रेस पहने। अस्सलामुअलैकुम जी, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं बोटैनिकल पार्क लाहौर की। तो चलें भाई भाभी को लेके हम आगे बढ़ते हैं और पार्क की तरफ जाते हैं और आपको भी बहुत खूबसूरत से पार्क की सैर करवाते हैं। किस किस को पार्क जाना और आउटिंग करना अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा। चलें हम लोग पहुंच चुके हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। तो एंट्रेंस कुछ इस तरह से है, हम लोग पहले भी एक दो व्लॉग्स बना चुके हैं इस पार्क का, लेकिन हर बार न्यू व्यू देखने को मिलता है। माशाल्लाह से इतने खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, इतनी चेंजिंग्स की जाती हैं। आपको पता है कि हर मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगाए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। एंट्रेंस कुछ इस तरह से है, रास्ता इस तरह से है, साइडों पे फ्लावर्स हैं और सामने का व्यू भी बहुत प्यारा है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और एकदम से अंदर जाते ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं एकदम से और हमारे बच्चों को देखें माशाल्लाह से कितना खुश हो गए हैं यहाँ पे आके। खुली जगह घूमने फिरने को मिल जाती है और इतने खूबसूरत पॉजिटिविटी मिलती है। अब हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं और अंदर का कुछ इस तरह से माहौल है। ऊपर से पूरा बंद किया गया है, पानी फवारे इस तरह से बनाए गए हैं, पहाड़ियाँ बनाई गई हैं बीच में और ज़िगज़ैग रास्ता बना के नीचे पानी जा रहा है। साइडों पे पौधे वगैरह लगाए गए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बनाया गया है अंदर से। आपको ज़रूर जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। कौन कौन हमें लाहौर से देख रहा है ज़रूर बताइएगा और इस पार्क को किस किस ने विज़िट किया हुआ है, कौन कौन यहाँ पे गया हुआ है ज़रूर बताइएगा। फिशेस है माशाल्लाह। इसमें वाइट वाली भी है, ब्लैक एंड वाइट एंड वाइट। वो देखो एक दूसरे के ऊपर कैसे बैठी हुई है, देखो ना वो दिखा। वो देखो एक दूसरे के हाँ। ना वो हाँ। है ना वो हाँ जी वो इतनी वो डर गई है ना कि ये मुझे मारेंगे। कौन सी मछली है? पिराना मछली क्या होती है? शार्क है। ये पिराना मछली है। अच्छा वो वीर कार्टून जो लगता था तो वो रियल थोड़ी होता है। अच्छा देखो यार वो कौन सा ड्रामा है, क्या नाम है उसका? टीम की सुपरविजन में आप खुद खड़े होकर काम करवाओगे तो नहीं खत्म हुआ वो अभी। बहुत ही प्यारा परिंद है, इसको क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा क्योंकि इस टाइम में मेरे जहन में नेम नहीं आ रहा इसका। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। पार्क की फ्रंट साइड पे रश बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते तो हम पार्क की बैक साइड पे आए हुए हैं और माशाल्लाह से बैक साइड पे भी देखें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। माशाल्लाह कितने प्यारे हैं ये हमारे स्कूल में भी थे, ये हमारे स्कूल में भी थे। हाँ ये ना हमारे स्कूल में था उधर। इसके भी इतने बड़े बड़े कांटे हैं ये देखें। ऊपर से ना खजान की वजह से ये सूखा हुआ है, ये लाइन से सारे यही वाले हैं और यहाँ पे ये इन सब पौधों को पानी देने के लिए यहाँ पे ट्यूब वेल लगा हुआ है। इतना बड़ा पार्क और इसको पानी देना इतना आसान काम तो नहीं होगा, उसके लिए ये यहाँ पे ट्यूब वेल लगा हुआ है।
कैसा लग रहा है नए जोड़े के साथ घूमते हुए? देखे ना कैसा लग रहा है, हो रही है अपना पुराना टाइम, अपना अपना टाइम याद आ रहा है आपको? अपना टाइम याद आ रहा है, 10 साल पुराना टाइम। आज सबने ना ब्लैक ड्रेस पहने हैं, एक जैसी ड्रेसिंग की है सबने। हर दिन ना एक थीम होता है हमारे ड्रेसेस का। कल हमने पर्पल पहना था, सबने पर्पल कलर्स पहने हुए थे। मैंने, हादी की मम्मा ने, हादी अजानिश ने, हुनैफा ने, और आज हम सब ने दूल्हा दुल्हन के साथ ब्लैक जो है ना वो ड्रेसेस की कॉम्बिनेशन की हुई है। आपको भी साथ साथ दिखाएंगे, हमारे साथ चलिएगा। कितने प्यारे यहाँ पे फूल है, नीचे से बिल्कुल पौधा सूखा हुआ और ऊपर सिर्फ फूल ही फूल है ना, अल्लाह की शान है। ये देखिए सिर्फ कांटे नीचे से और ऊपर से सिर्फ फूल। पौधा सूख गया पर फूल आना बंद नहीं हुए, ऐसा होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत प्यारा और बहुत ही बड़ा पार्क है। उनकी रूट सारी लिपटी हुई हैं दरख्त के साथ ऊपर तक। हमारे बच्चे जिम करने के लिए निकल गए हैं, जिम का एरिया भी बना हुआ है यहाँ पे।